ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े सर्वे पर घमासान क्यों मचा हुआ है? लोग इसे दूसरी अयोध्या क्यों कहते हैं? ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे एडिटर जी हिंदी के इस खास शो में। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी खबरें भले ही अभी एक के बाद एक आनी शुरू हुई हों, लेकिन विवाद बहुत पुराना है। अयोध्या में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, तभी 1991 में इससे जुड़े केस वाराणसी कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे थे। याचिकाकर्ता स्थानीय पुजारी थे और वे ज्ञानव्यापी मस्जिद क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति चाह रहे थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। ज्ञानव्यापी केस जिंदा कैसे हुआ? वाराणसी के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने लोअर कोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर के देवता के नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर एक याचिका दायर की। कानूनी शब्दों में नेक्स्ट फ्रेंड वह शख्स होता है जो किसी ऐसे शख्स का प्रतिनिधित्व करता है जो अदालत में अपना मुकदमा चलाने में सक्षम नहीं होता है। मामला शांत रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक महीने बाद दिसंबर 2019 में ज्ञानव्यापी मामला फिर से जिंदा हो गया। याचिकाकर्ता रस्तोगी ने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण अवैध होने का दावा किया। रस्तोगी की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई के बाद वाराणसी की कोर्ट ने इस साल अप्रैल में ज्ञानव्यापी मस्जिद के ढांचे के सर्वे का आदेश दिया। वाराणसी की कोर्ट ने एएसआई से सर्वे करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक्सपर्ट की 5 सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और मस्जिद चलाने वाली इंतजामिया कमेटी ने रस्तोगी की याचिका का विरोध किया। उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के वाराणसी कोर्ट के आदेश का भी विरोध किया। वाराणसी की अदालत ने 8 अप्रैल 2021 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां मौजूद मस्जिद का निर्माण कराने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने मौजूदा मामले में 9 सितंबर 2021 को वाराणसी की अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारी जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में राखी सिंह व अन्य ने अगस्त 2021 में अदालत में एक मुकदमा दायर कर श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और अन्य देवी देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग की थी। सिविल जज जूनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 26 अप्रैल को अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया और ज्ञानव्यापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे करके अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद मामला फिर कोर्ट पहुंचा। वजह थी एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग। यह तो बात हुई कोर्ट में चल रही सुनवाई की टाइमलाइन की, लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद अहम क्यों है, आइए ये जानते हैं। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में जो 3 धार्मिक स्थल शामिल थे, उसमें से एक ज्ञानव्यापी मस्जिद भी था। तीसरा धार्मिक स्थल मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद थी। इन संगठनों का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर मौजूद मंदिर को तोड़कर किया गया था। मथुरा का ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है। देखिए इसमें ऐसा, ये 91 से ये सूट चल रहा है। एंशियंट आइडोल जो भगवान शिव शंकर हैं काशी विश्वनाथ, उनकी तरफ से एक सूट ये फाइल किया गया है कि जहाँ पर इस समय ज्ञानव्यापी मस्जिद स्थित है, एक्चुअली वो मस्जिद की ज़मीन नहीं है बल्कि वो विश्वनाथ मंदिर की टेम्पल थी और 1669 में औरंगजेब के फरमान में उसको मंदिर को तोड़कर ही वहाँ मस्जिद को बना दिया गया है। एक्चुअली वो मस्जिद नहीं है, जब वो मंदिर की ही संपत्ति है और मंदिर को वहाँ पर जो मस्जिद जो बनी हुई है इसको डिमोलिश करके उसका पोजीशन मंदिर को दे दिया जाए, ये सूट यहाँ पे चल रहा है। इसमें दो पक्षकार हैं विपक्षी में, एक जो यहाँ की जो लोकल मस्जिदें हैं
उनका जो इंतजाम करती है उसको बोलते हैं अंजुमन इंतजामिया, और दूसरा उसमें है यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसलिए पक्षकार है कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये एज ए वक्फ प्रॉपर्टी, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ में ये रजिस्टर है एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। ये मुकदमा यहाँ पे चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कुछ अहम बातें जो हमें जाननी चाहिए। आमतौर पर यह दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर को नष्ट करने के बाद किया गया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक शर्की सुल्तान ने किया था। वे कहते हैं कि शर्की शासक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने का आदेश दिया था। कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर वास्तव में मुगल सम्राट अकबर के समय में बनाया गया था या फिर से बनाया गया था। अकबर के मंत्री टोडरमल ने मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि टोडरमल ने दक्षिण भारत के एक विशेषज्ञ नारायण भट्ट को काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए कहा था। एक और नजरिया है, वह ये कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर ने अपने धार्मिक प्रयोग दीन इलाही को आगे बढ़ाने के लिए किया था। ज्ञानवापी मस्जिद के प्रभारी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति भी इसी को मानती है। इन सब विरोधाभासों के बीच एक बात जो सत्य है वह ये कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने औरंगजेब की मृत्यु के लगभग 3 दशक बाद 1735 में किया था। ज्ञानवापी मस्जिद में जो सबसे अहम नाम है वह ज्ञानवापी है। इस नाम की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। भारत में मस्जिदें अमूमन इस्लामिक नामों पर ही बनी दिखाई देती हैं, लेकिन ज्ञानवापी नाम कुछ ऐसा है जो एक अलग तरह का बोध कराता है। मस्जिद का नाम पास ही मौजूद ज्ञानवापी कुएँ यानी ज्ञान के कुएँ से लिया गया है। हिंदू धर्म के स्थानीय पुजारी मानते हैं कि शिव ने इसे खुद शिवलिंग को ठंडा करने के लिए खोदा था। ये सभी वह तथ्य थे जो मस्जिद को लेकर हैं, लेकिन मस्जिद के इतिहास को लेकर एडिटर जी हिंदी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है। अभी के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए शो में आपसे। अपना ध्यान रखिएगा।